हे गाइज, आइकू की तरफ से हमें एक और नया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, जिसका नाम होगा आइकू Z9 5G। भाई, इस स्मार्टफोन्स की एक्सपेक्स और लॉन्च डेट बाहर निकल करके आ चुकी है। तो गाइज, इस बार हमें इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यह स्मार्टफोन मिड रेंज कैटेगरी में आएगा, क्योंकि दोस्तों Vivo T2 Pro भी हमें इसी चिपसेट के साथ देखने को मिला था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आइकू Z7 Pro में भी हमें यही चिपसेट देखने को मिला था। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इस स्मार्टफोन्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग स्मार्टफोन रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन्स के लुक और डिजाइन के बारे में बात करेंगे, तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन देखने को मिलेगा, और इसका बैक बॉडी प्लास्टिक का होगा। और हाँ गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभी के लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर देखने को मिलेगा। और गाइस, ये स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। पहला वेरिएंट में आपको 6GB और 128GB रहेगा। दूसरा वेरिएंट, इसका जो टॉप वेरिएंट रहेगा, उसमें आपको 8GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। भाई, इस स्मार्टफोन के हम प्रोसेसर के बारे में तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 7200 का पावरफुल चिपसेट दिया जाएगा, जो कि 4nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। 2.8 GHz तक की क्लॉक स्पीड के साथ रन करता है। इसका अंतुतु स्कोर 7 लाख के प्लस है। भाई, ये स्मार्टफोन से गेमिंग काफी बढ़िया से कर सकते हो, और मल्टीटास्क में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट है, और 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस, और 300 का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। और दोस्तों, ये डिस्प्ले पंच होल कटआउट के साथ आएगी। ओवरऑल देखा जाए तो गाइज, डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बढ़िया होगी, डिस्प्ले से भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बात करें हम इस स्मार्टफोन की कैमरा की, कैमरा तो गाइज लाजवाब होने वाला है इस स्मार्टफोन का, जिसमें आपको 50 MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा, जिसमें आपको सोनी IMX882OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, और 2 MP का अन्य कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पे इस फोन का कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया रहेगा, जिसकी हेल्प से आप काफी बढ़िया फोटो और वीडियो क्लिक कर पाओगे। वहीं पर इन सभी को ऑन रखने के लिए फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 44W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, और चार्जिंग के लिए USB Type-C केबल दिया गया है। सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और 3.5 का ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.3, LPDDR4X का रैम, UFS 2.2 स्टोरेज है। अब हम बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइस की, तो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस है 19,999 रुपया। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में, तो यह स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 12 मार्च 2024। उम्मीद है तब तक यह इंडिया में लॉन्च हो जाएगा।